रविवार की रात आलोक ने अपनी पत्नी विजया, बेटी परी, बेटे साहिल, सास लक्ष्मी बोबड़े और साली अमीषा बोबड़े की बहरेमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि पत्नी और बच्चों समेत 5 लोगों की हत्या करने वाला आलोक माथुरकर धूर्त स्वभाव का था और महिला वशीकरण जादू सीख रहा था। पुलिस को संदेह है कि वशीकरण में न फंसने के बाद अमीषा बोबड़े उससे दूर हो गई, जिस कारण उसे मारने की साजिश रची होगी। सास और अमीषा को मारने के बाद उन्हें आलोक ने चादर से ढक दिया था। ससुर देवीदास को लगा कि वे दोनों सो रहे हैं। ससुर ने चाय ली और नहा लिया। मकान मालिक को किराया देने के बाद बिजली बिल भरकर घर लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश की तो उसने बेटी और पत्नी को खून में लथपथ देखा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को आलोक पर शक हुआ। जब वे उसे खोजने उसके घर गए तो उन्हें 4 शव मिले। ये देख पुलिस दंग रह गई। घर की तलाशी के दौरान आलोक का मोबाइल फोन मिला। पुलिस ने उसे खोलकर बातचीत पढ़ी। वो स्त्री जादू की कला सीखने के लिए कई लोगों के संपर्क में था। इनमें से कुछ फॉर्मेट का व्हाट्सएप ग्रुप से मिलान किया गया। वो इसमें महिला मंत्रमुग्धता के वीडियो देखता था। महिलाओं को अपने अधीन करने और उनका शोषण करने के इरादे से ऐसा कर रहा था। पुलिस को उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो भी मिले। कहा जाता है कि इस वशीकरण का इस्तेमाल उसने अमीषा पर किया था। वो उसके जाल में फंस भी गई, लेकिन वह अन्य दोस्तों के संपर्क में थी। आलोक ने अमीषा को दोस्तों से न मिलने के लिए रोकता था। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने अमीषा की पिटाई कर दी। फिर वह उससे दूर चली गई। ये पता चला है कि वो उसे फिर से बहकाने की कोशिश कर रहा था। अमीषा के सामने आलोक का असली चेहरा सामने आ गया। वो उससे अलग हो गई थी, इसलिए उसने कई दिन पहले अमीषा की हत्या करने की साजिश रची थी। वेबसाइट स्नैपडील से चाकू ऑनलाइन मंगवाया गया था। उसने एक ही चाकू से सभी को मार डाला।